जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 22 जनवरी को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी एवं प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी को दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस विशेष लोक अदालत में अब बिना मुकदमा दायर किए वैवाहिक विवादों का निस्तारण करना संभव हो सकेगा तथा ऐसे मामले में प्रीलिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारण करने के लिए 22 जनवरी को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवादों के पीड़ित पति व पत्नी मात्र एक प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना मुकदमा दर्ज कराए विवादों को निस्तारित करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ये बिना केस के वैवाहिक वादों का निस्तारण ये 22 जनवरी 2022 को आयोजित लोक अदालत में जो विशेष लोक अदालत की जाएगी, इसमें किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री तेज प्रताप तिवारी एवं प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी 22 को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित होगा विशेष लोक अदालत। माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत में अब बिना मुकदमा दायर किए ही वैवाहिक विवादों का निस्तारण करना संभव हो सकेगा। इसके ऐसे मामले प्री लिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारण कराने के लिए 22 जनवरी 2022 को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवाद का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा और इसमें वैवाहिक विवादों के पीड़ित पत्नी व पति मात्र एक प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना मुकदमा दर्ज कराए विवादों का निस्तारण करा सकते हैं।